नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़ रविकांत भट्टाचार्य के साथ। तो आज की खबर कुछ इस प्रकार है। दो गौ तस्करों को गिरफ्तार करे, गौवंश को कराया मुक्त, मामला दर्ज। पूरा देश और प्रदेश कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहा है, लेकिन कामा क्षेत्र के गौ तस्करी की घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं, जिसके चलते कामा थाना पुलिस ने मंगलवार दोपहर को मुखबिर की सूचना पर लेवड़ा गांव के जंगल में दबिश देकर दो गौ तस्कर को गिरफ्तार कर एक गौवंश को मुक्त कराने में सफलता हासिल की है। जहां गौ तस्करों के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। तिलावटी चौकी प्रभारी श्री चंद ने बताया कि मंगलवार दोपहर को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति पैदल पैदल एक गौवंश को हत्या करने के लिए ले जा रहे हैं, जिसके बाद DSP प्रदीप यादव एवं कामा थाना अधिकारी जमील खान के निर्देशन में पुलिस टीम के साथ लेवड़ा के जंगलों में दबिश दी गई, जहां दो व्यक्ति पैदल पैदल गौवंश को ले जा रहे थे और पुलिस की वर्दी देख दोनों ने भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों गौ तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की, जिसके बाद उनसे नाम पता पूछा गया तो ताहिर पुत्र खूबी जाति मेब उम्र 28 साल निवासी लेवड़ा एवं बारिश पुत्र हमीदा जाति उम्र 20 साल निवासी लेवड़ा को गिरफ्तार कर लिया, जहां दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। वहीं मुक्त कराए गए गौवंश को चिकित्सकों से परीक्षण कराने के बाद कलावता गांव स्थित श्री कृष्ण गौशाला भिजवा दिया गया है। आज जरिए मुखबिर खास सूचना मिली थी कि दो गौ तस्कर एक गौवंश को गौ तस्करी के लिए ले जा रहे हैं। इस सूचना पर निर्देशानुसार श्रीमान CO साहब और SHO साहब के मन SC में अमराई जाप्ता के मौके पर पहुंचकर गौवंश को कब्जे में लिया गया तथा दो गौ तस्करों को गिरफ्तार कर किया गया है। गौवंश को श्री कृष्ण गौशाला करावटा में दाखिल कराया गया है। मामला दर्ज हो गया? हाँ, मामला दर्ज हो रहा है। अरकामा विधानसभा क्षेत्र की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।